माई चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग और मैं शिखा दीक्षित आपका अपने इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज सुबह से मेरा सारा दिन बहुत हेडेक वाला रहा, क्योंकि घर में भी देखना था, घर भी जो काम रेगुलरली होते हैं वो करने, और आज सुबह ही सुबह मेरे पास मेरा अपना और भी काम आ गया था, तो उसको भी मुझे अभी सुबह ही सुबह कंप्लीट भी करना था, तो फटाफट बस मैं दोनों काम मैनेज कर रही थी, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो करके दोनों काम कंप्लीट हो गए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत 12 बज चुकी है और अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जाके बस मैंने लैपटॉप बंद किया है और अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और गाइस, कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा और थोड़ा बहुत हम लोगों ने शिव का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। वैसे ये हम लोग ये वाला बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हर बार करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मेन तिथि वाला जो टीके वाला होता है बर्थडे वही होता है, तभी उसकी बुआ वगैरह भी आती हैं और लोग भी इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होती है और अच्छा लगता है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो अच्छा मज़ा आती है। और कल का तो बस ऐसे ही रहता है कि शिव को बाहर आउटिंग करा देते हैं, मंदिर ले जाते हैं, बस यही होता है, और जो उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं उसको खिला देते हैं, तो बस यही सब चलता रहता है उस दिन। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, ये शिव का दांत हिला है और टूटने की पूरे मूड में है, शायद ये अभी थोड़ी देर में ही हो सकता है टूट जाए, नहीं तो आज तो ये श्योर टूट ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है। शाम के लिए मैंने ये सब खाने के लिए काट रखा हुआ है, प्याज व्याज सब छील वेल के साग भी काट लिया हुआ है, और बस अब उठूँगी और फटाफट बनाना शुरू होगा। हेलो गाइस, आज दोपहर में मैं बहुत सोई, मुझे बहुत थकान सी लग रही थी, तो मैं लगभग 1.5 घंटा खूब सोई हूँ आज। और आज एक पोपट भी हो गया हम लोग के साथ में, जब शिव स्कूल से आए तो पता चला छुट्टी है कल, तो बड़ा अच्छा लगा, और इसी चक्कर में मैं और सो भी गई थी कि आज थोड़ा सा रिलैक्स हो लेंगे, तो रात में लेट जग के कुछ काम हो जाएंगे, शिव पढ़ भी लेंगे लेट नाइट तक, और इसी चक्कर में हम और शिव दोनों ही सो गए। और फिर बाद में शाम को मैसेज आया कि कल की छुट्टी कैंसिल हो गई है, वो नहीं होगी, तो बहुत बड़ा पोपट हो गया, मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं करी थी मॉर्निंग के लिए, फिर फटाफट जल्दी जल्दी में सब्जियां वगैरह साग था, क्योंकि तो साग काटने में टाइम भी लगता है, तो फटाफट साग भी काट के रखा, और बाकी तो सुबह ही आलू वगैरह छिल जाते हैं कोई नहीं, लेकिन यही था कितना अलग सा लग रहा था उस समय, और फिर एकदम से चेंज हो गया कि कल स्कूल जाना है, एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ नहीं जाना है, तो उस हिसाब से इंसान काम करता है, फिर एकदम से पता चला नहीं जाना है तो अलग ही फीलिंग आती है फिर, लेकिन कोई नहीं, भेजना तो है ही है और जाना भी है, बस ये है कि जो सोचा था कि लेट नाइट तक आज पढ़ाई हो जाएगी तो वो बस अब कैंसिल हो गई है, वो नहीं हो पाएगी, और दोपहर में सोना बड़ा खल गया है बस आज इस समय, तो गाइस मिलते हैं बाद में। ये मारने जा रहा है मच्छर को, वो भी रूम फ्रेशनर से मच्छर मारे जा रहे हैं रूम फ्रेशनर से मच्छर नहीं मरते हैं बच्चा, अरे पंख गीले होंगे, पंख गीले होने से मरेगा थोड़ी ना, अरे ना भाई जल्दी, अरे अरे गिर जाएंगे, ओह नो, यो रूम फ्रेशनर खराब कर रहे हो, कोई नहीं वो तुमसे चालू है, जब तुम जाओगे तो वो बस रख दें आप रूम फ्रेशनर। तो आप शिव कर रहे हैं पढ़ाई, आज सोचा तो कुछ और था पढ़ाने के लिए, बट
जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर अगर जगाया तो फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे साइकिल से जाना था। और शिव जिद कर रहे हैं साइकिल से स्कूल जाने की, लेकिन इन्हें मिल नहीं रही है साइकिल से स्कूल जाने के लिए। तो गैज अभी हमारा सारा काम हो चुका है, हम लोग खाना वगैरह भी खा चुके हैं और सब मैं किचन भी साफ कराई और बस अब हो रही है सोने की तैयारी। दोपहर में वैसे बहुत सोई हूँ आज, तो नींद तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जल्दी सोएंगे तो फिर सुबह जल्दी उठना भी होगा, नहीं तो फिर सुबह आजकल बड़ा आलस आता है, सुबह सुबह ठंडा ठंडा होता है तो बहुत आलस लगता है, तो उठने का मन नहीं करता मेरा, तो बिल्कुल नहीं करता। और मैं नहीं उठती हूँ तो फिर कोई भी नहीं उठ सकता पहले क्योंकि मुझे ही सबको उठाना होगा, उससे पहले कोई उठता ही नहीं है। तो सबसे पहले उठने के कारण मुझे और डर के मारे सोना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि फिर मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगी और कल है थर्सडे और व्रत भी होगा थर्सडे को मेरा, तो बड़ी दिक्कत होती है व्रत वाले दिन मॉर्निंग में बगैर चाय के, क्योंकि चाय की स्टार्टिंग तो मेरे चाय से ही होती है और उसके बाद ही काम होता है। सबसे पहले मैं किचन में चाय ही चढ़ाती हूँ और फिर प्रेपरेशन करती हूँ नाश्ते की। शिव का स्कूल ले जाने वाला होता है, वो तब शुरुआत होती है, जब तक चाय बनती है तब तक मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर चाय पी लेती हूँ, उसके बाद और आगे बढ़ाती हूँ काम को। तो अब चलिए सोने की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग सोने जा रहे हैं, तो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों से भी अपने लिंक में जितने हैं प्लीज़ उन्हें फोर्स करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ऐसा कोई दबाव नहीं है आप पे, फोर्स मत करिएगा। नहीं नहीं फोर्स कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा फोर्स भी कर दीजिए और फिर बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.